जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ट्रिप बताऊंगा, अगर आपके इमो अकाउंट पे कॉल करने पे या कॉल आने पे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसा मैं आपको बताऊंगा कन्फर्म 100% इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, हमारे इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना होगा। कन्फर्म 100% इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल आने पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कॉल जाने पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप किसी को कॉल करते हैं फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट देखना होगा। अगर हमारे चैनल पहली बार आए, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं अपने इमो अकाउंट का पूरा अकाउंट भी डिलीट कर दिया फिर भी सोल्ड नहीं हुआ था। मैं इसको सोचा कि इसको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको मैं अकाउंट डिलीट कर देता हूँ, अकाउंट डिलीट करने के बाद में फिर से अकाउंट बना देता हूँ तो सोल्ड हो जाए, लेकिन फिर भी सोल्ड नहीं हुआ। अकाउंट डिलीट करने के बाद में फिर भी सोल्ड नहीं हुआ, फिर से मैं दूसरा दिमाग लगाया कि और कोई दूसरा दिमाग लगा के इसको सही कर देता हूँ। फिर से इमो ही मैं यूज़ कर रहा था, फिर से इमो को डिलीट कर दिया। इमो डिलीट करने के बाद में फिर से इमो को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद में फिर भी सोल्ड नहीं हुआ। तो इसको सोल्ड करने के लिए क्या करना होगा, जैसा मैं बताऊँगा जो बताऊंगा आप वैसे कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉब्लम आ रहा है तो अंदर से कोई सेटिंग आपको करना नहीं होगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इमो को डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं इमो यूज़ कर रहा था और इमो पे ये प्रॉब्लम आ गया, तो इसको डिलीट कर देना। आपको डिलीट करने के बाद में अगर आप इमो चलाते हैं और अगर आपके इमो पे प्रॉब्लम आ रहा है तो उस इमो को आपको डिलीट कर देना है। अगर आप इमो बेटा, इमो एचडी जो चीज़ चला रहे हैं जिस कंपनी का, तो उसको आपको डिलीट कर देना है, दूसरी कंपनी को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, मैं इमो बेटो को इंस्टॉल कर लिया हूँ। इमो बेटा इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपने मोबाइल में इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, कन्फर्म सोल्ड हो चुका है एकदम अच्छे तरीके से। आप भी इसी सोल्ड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर यहाँ पे यहाँ से भी कॉल जा रहा है और उधर से भी आ रहा है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। देख सकते हैं इधर से भी कॉल जाने स्टार्ट हो गया और उधर से भी कॉल आना स्टार्ट हो गया। आप एकदम अच्छे तरीके से इसी सोल्ड कर सकते हैं, जैसा मैं आपको बताया। देख सकते हैं अगर आपके इमो से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इमो को डिलीट कर दीजिए और आपको इमो एचडी डाउनलोड कर लीजिए। अगर देख सकते हैं अगर इमो एचडी आपके पास है तो इमो बेटा डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके आपको कंपनी बदल देना है, कंपनी जैसे बदल देंगे तो आपका सोल्ड हो जाएगा जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा था। देख सकते हैं हमारे मोबाइल में एकदम अच्छे तरीके से सोल्ड हो चुका है। आप भी ऐसे सोल्ड कर सकते हैं, जैसा मैं आपको बताया हूँ। आप एकदम कन्फर्म 100% इसके बारे में सोल्ड कर सकते हैं। आपके इमो पे प्रॉब्लम आ रहा था तो आप अपने इमो को डिलीट कर लीजिए, इमो बेटो को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके इमो बेटे पे प्रॉब्लम आ रहा था तो इमो को डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके जिस इमो पे आपकी प्रॉब्लम आ रहा था अपना कंपनी बदल लीजिए, कंपनी बदलने के बाद में आपका प्रॉब्लम सोल्ड हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं अब मेरा प्रॉब्लम सोल्ड हो चुका है, ऐसे आप भी सोल्ड कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर नई वीडियो इमो यूट्यूब से रिलेटेड सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो फिर आपको अगले वीडियो